नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में एक और नए एयरपोर्ट के बारे में। बिहार में बहुत ही जल्द एक और एयरपोर्ट का रास्ता साफ होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो दरभंगा के बाद उत्तर बिहार में दूसरा एयरपोर्ट की शुरुआत बहुत ही जल्द होने वाला है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार के चंपारण और सारण इलाके के लिए रक्सौल एयरपोर्ट विकास को लेकर एक नई गाथा लिखने जा रही है। एक नया इतिहास शुरू होगा इस इलाके को लेकर। यह इलाका जो है अब व्यापार की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण होगा, उतनी ही महत्वपूर्ण जो है यह सामरिक दृष्टि से भी होने वाला है। बता दें कि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इसका विकास बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इसका सपना बहुत ही जल्द आम लोगों के लिए साकार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने नागरिक विमानन मंत्रालय से इसको लेकर विकास करने को लेकर विचार करने को कहा है, जिसके बाद से सरकार की तरफ से जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। इधर यह भी बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी कपिल अशोक ने सरकार को इसको लेकर जो है रिपोर्ट सौंप दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया गया है कि जिलाधिकारी के द्वारा रक्सौल एयरपोर्ट के विकास को भेजने यानी कि उसकी जो रिपोर्ट है उसको भेजने के बाद सरकार की तरफ से बहुत ही जल्द प्रतिक्रिया सामने आने की बात कही गई है। एयरपोर्ट को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा जिला राजस्व शाखा मोतिहारी के माध्यम से निदेशक संचालक सिविल विमानन निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना हवाई अड्डा को पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी की तरफ से लिखे गए इस पत्र में यह बताया गया है कि रक्सौल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मौजों में 5 जमाबंदी संख्या है, जिसका कुल इलाका यानी कि उसका रकबा जो है 152.775 एकड़ भूमि से अर्जित की गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इस हवाई अड्डे की जमाबंदी भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकार के नाम से संचालित है। साथ ही साथ इस पूरे इलाके की पैमाइश भी कराई गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द रक्सौल एयरपोर्ट की भी शुरुआत सरकार की तरफ से करने की उम्मीद जताई जा रही है। जिलाधिकारी की तरफ से सौंपे गए दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रक्सौल एयरपोर्ट की वर्तमान में जो स्थिति है उसमें एयरपोर्ट की भूमि की चहारदीवारी कर दी गई है, जिसके अंदर पूर्व में एयरपोर्ट भवन है, रनवे छोटे विमान उतरने लायक है, लेकिन भवन की स्थिति बहुत ही खराब है। दर्जन भवन में एसएसबी पनटोक्का का दफ्तर भी है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इसके अलावा यहाँ पे जो भवन बना हुआ है वह उसकी भी स्थिति जो है वो जर्जर हो चुकी है। साथ ही साथ इस बात का जिक्र किया गया है कि रक्सौल एयरपोर्ट के तहत आने वाली जमीन की पैमाइश कर दी गई है। साथ ही साथ सरकार को इसका नक्शा भी भेजा गया है। इसके साथ इस बात का अनुरोध किया गया है कि रक्सौल एयरपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके शुरू करने की कृपा की जाती है। एक तरह से कह लें कि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर जिला प्रशासन ने जो है अपनी पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को भेजी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे पास कितनी ज़मीन है और वर्तमान में इस एयरपोर्ट की क्या स्थिति है, यानी कि यहाँ पर रनवे की क्या स्थिति है, कौन से विमानें वर्तमान में उतर सकती है या फिर नहीं उतर सकती है, ज़मीनों की क्या स्थिति है, साथ साथ यहाँ पर जो कमरे बने हैं उसकी क्या स्थिति है, मशीनरी की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है जिला प्रशासन की तरफ से सरकार को भेज दिया गया है। अगर हम व्यापार के और सामरिक विकास को अगर हम देखें तो रक्सौल में एयरपोर्ट बन जाने के बाद से इस इलाके का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बिहार के विकास में यह काफ़ी मददगार साबित होगा। बता दें कि वर्तमान में दरभंगा, पटना और गया के बाद रक्सौल भी इस लिस्ट में जुड़ जाएगा। हालांकि बिहार में पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट पर पहले से ही काम चल रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बिहार में आने वाले दिनों में पूर्णिया भागलपुर के साथ साथ रक्सौल एयरपोर्ट भी जुड़ जाता है तो बिहार में 6 एयरपोर्ट हो जाएगा, जिसके बाद से प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर रक्सौल का इलाका नेपाल से मिलता है तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि व्यापार के नज़रिए से भी यह काफ़ी कारगर होने वाला है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि रक्सौल एयरपोर्ट जितनी जल्दी हो सके इसकी शुरुआत हो जाए। रक्सौल से हमने हाल ही में देखा कि रक्सौल और काठमांडू के बीच में रेल शुरुआत करने की बात जो है भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में तय हुई है। तो ऐसे में ये एक तो रेलवे को लेकर यह एक अच्छी खबर थी, जिसमें भारत और नेपाल के संबंध अच्छे होंगे। दूसरा, अगर एयरपोर्ट की रक्सौल से शुरुआत हो जाती है तो इस मामले में भी जो है एक तरह से कह लें कि यहाँ से यात्री नेपाल जा सकेंगे और नेपाल से भारत आ सकेंगे। तो ऐसे में ये दो अलग अलग इंटरनेशनल मामले भी संबंध जो है भारत के और नेपाल से अच्छे होंगे, साथ साथ व्यापारिक और पर्यटन के मामले में भी जो है काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके रक्सौल एयरपोर्ट की शुरुआत
कर दी जाए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।